आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर यूपी के मिर्जापुर से। जमालपुर विकास खंड के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेम इबरी में एक अभियान कोशिश के तहत विद्यालय का प्रथम वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह की शुरुआत प्रथम दीप प्रज्वलन कर ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे लोग तालियां बजाने को मजबूर हो गए। मुख्य अतिथि स्टेट रिसोर्स ग्रुप की सदस्य सरिता तिवारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि वार्षिक उत्सव के माध्यम से प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ना और साथ ही साथ बच्चों के प्रतिभा को निखारना है। जमालपुर ब्लॉक का यह दूसरा कार्यक्रम है। प्राइवेट विद्यालयों के समकक्ष परिसदस्य विद्यालयों को खड़ा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। पहली बार परिसदस्य विद्यालय के बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखकर हर तरह की संसाधन विद्यालयों को मुहैया कराया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी में उर्मिला सिंह, रेणुराव चंचल, विजय लक्ष्मी, दीन बंधु, सुनील कुमार भारती का सराहनीय प्रयास रहा। कार्यक्रम के आयोजक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नित्यानंद सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान गायत्री देवी ने की। कैसा लग रहा है आपको आज पहली बार? बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज एनुअल फंक्शन बहुत ही अच्छा नहीं, सरकार की मंशा के अनुसार इस बार आदेश किया गया था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा सकता है विद्यालयों में जो है, लेकिन उसके बजट का प्रावधान नहीं किया गया था। जो भी कार्यक्रम हो रहा है जो है ये सभी काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम रहा। कहाँ से किस तरीके से मैनेज आपने किया ये जो है? मैंने जो है सभी शिक्षकों के द्वारा किया गया जो है, इसमें विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं किया गया है। बच्चों के साथ साथ पूरे स्टाफ का पूरा सहयोग था इसमें और काफी दिनों से लगे हुए थे हम लोग। ये पहला कार्यक्रम रहा आप लोगों का? जी। क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय खेमईबरी में बच्चों का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि अब तक जो चीजें कॉन्वेंट में हमारे चलती रही, बच्चों के एनुअल फंक्शन होते रहे, अब उसी को हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ने हमारे परिषद के स्कूल में भी लाने का प्रस्ताव रखा और जिसके जरिए ये कहा गया कि अपने परिषद के हर एक विद्यालयों में वार्षिक उत्सव मनाना है और हमारे टीचर इस कार्यक्रम को शुरू भी कर दिए हैं और बच्चे बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है जो आज तक वो देखते आए थे नर्सरी स्कूलों में, उनको खुद अब